अखंड भारत बनाइए। आपके पास तो मौका है अखंड भारत का। इंसानियत का कत्ल है। हिंसा को कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा, पहली बात है। अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हिंदू वहां पर मर रहा है, कट रहा है, चीख चीख कर वहां महिलाएं अपने आबरू बचाने की बात कर रही हैं। बड़ी अजीब सी बात है, कोई इतनी बड़ी घटना हमारे पड़ोसी राज्य में है, यहां पर बैठकर, पड़ोसी देश में है, यहां पर बैठकर पैनलिस्ट या भारत के राज्य में होने वाली घटना की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यहां बैठकर कह रहे हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय बात हो गई। लेकिन मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझा, देखिए मौलाना, मेरे को बीच में टोको मत आप, ठीक है? अरे एक मिनट, हाजी खान साहब, हो गया, बोले हाजी खान साहब। अरे आपको पर्याप्त समय मिला है, बोल रहे हैं। अरे मौलाना, बीच में क्यों टोकते भाई आप? मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। जब जब हिंदुओं की बात हो जाती है, हिंदुओं के अधिकारों की बात हो जाती है, मानवाधिकार की बात करने लगते हो। अरे भैया, लोकतांत्रिक देश है, सब बोलेंगे। अरे इस देश के अंदर हिंदू बड़ी बहुसंख्यक आबादी में रहता है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश के अंदर हिंदू के साथ किस प्रकार का अत्याचार? एक भी देवबंद उलेमा, जमीयत उलेमा हिंद ने फतवा पास क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार को मार दे। मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार को मार दे। उतारे भारत सरकार, ये सक्षम सिर्फ मुझे लगता है हमारे शाहबुद्दीन बरेलवी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक सेकेंड, शाहबुद्दीन बरेलवी जी बुलाइएगा स्क्रीन पर प्लीज। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, अगर आवाज जा रही होगी। आगे कैन साहब चलते, एक सेकंड सर, सर बाकी मेहमान भी है सर, एक सेकंड। ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना था, उसकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। जिन्ना की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं, हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है। किसी की आवाज नहीं जाएगी। अरे क्यों शांति? अरे एक सेकंड शांति सर, डिबेट एक सेकंड सर, आराम से बात रखिए, एक एक करके। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, अब ये बताइए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, मामला बांग्लादेश का है और यहां तुलना की जा रही है कि साहब जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा हिंदुस्तान में भी हो सकता है क्या? हमारी बुनियाद, हमारी नींव इतनी कमजोर हो गई है? बांग्लादेश जैसे मुल्क से, पाकिस्तान जैसे मुल्क से, अफगानिस्तान तालिबान से हम अपनी तुलना करेंगे सर? हम अल्लाह का शुक्र करते हैं अदा कि हमें शाहबुद्दीन जी, देखिए बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो नहायत ही अफसोसनाक है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि गैर मुस्लिम लोगों की इबादत गाहों या उनको घरों को जलाया जाए या उनकी बेहुर्मती की जाए, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ऐसी नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं काबिले मजम्मत हैं, मैं इनके भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं और हमें भी तकलीफ है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान तुलना बांग्लादेश से की जा रही है ये गलत है, ऐसा यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। जो लोग तुलना कर रहे हैं वो उन लोगों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए हिंदुस्तान की। लेकिन शाहबुद्दीन जी ऐसा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, ब्रिटेन दंगों की आग में जल रहा है, वेनेजुएला में देखिए क्या हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबानी कट्टर सोच के साथ ना सिर्फ सोच आई बल्कि तख्ता पलट करके हुकूमत अपने कब्जे में ले लिया। सर ये सोच बहुत ही खतरनाक है। देखिए ये कट्टरपंथी विचारधारा का मामला है। मैंने कल भी कहा था कि बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई है ये दरअसल एक कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से हुई है। शेख हसीना सूफी विचारधारा की थी, वहां पर उन्होंने कुछ दिन पहले जमात इस्लामी बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगाया, उससे पहले तहरीर हिजबुल इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया और कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के जो प्रचारक हैं उनको जेल भेजा, तो ये तमाम गठजोड़ हो गया और पाकिस्तान अमेरिका चीन ने इसको जो है वो पीछे से ताकत दी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रोड पे आए और उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। तो ये सियासत मजहब में दाखिल हो गया। कट्टरपंथी विचारधारा ये सोच किस दिशा में ले जाएगी बांग्लादेश को, क्या उम्मीद करें हम वहां की, वो अब जो हुकूमत संभालने वाले लोग हैं उनसे? बिल्कुल सही बात। देखिए मैं थोड़ा सा इससे पहले प्रत्युष आपका जवाब दूं, मैं आचार्य जी को बता दूं, यहाँ कोई भी
कोई भी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके साथ नहीं है, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं आप है। सुनिए सुनिए, हरगिज भी हमारी विचारधारा जिना के साथ नहीं है। आप होंगे लेकिन यहाँ पर हम सब हैं, हम पांचों मुसलमान हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। जवाब, आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, असदी साहब आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, हम सब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। एक साथ कहीं से भी आते हो, यहाँ डिबेट चल रहा है, इसी सुनिए मौजूद लोगों ने यहाँ बात उपस्थित करी कि हसीना को इस देश के अंदर क्यों रखा गया, हसीना को इस देश सवाल ये उठता है बख्श साहब जी कि जब कवर फायरिंग दी जाती है ना, वहां जो सीधे हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है उसके बीच में राइडर लगाया जाता है, बताया जाता है कि मणिपुर में नहीं हो रहा है क्या, कहा जाता है कि अरे हसीना को क्यों बुलाया गया भाई, उनको क्यों रखा गया है, राइडर दिया जाता है कि भारत सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, सेना उतार दे, ये कट्टरता है सर। मैं कह रहा हूँ ये जो इफ्स एंड बट्स के साथ जवाब दिया जाता है, अपोलोजेटिक की तरह जवाब दिया जाता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है फिर उसको कंपेयर किया जाता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ये हमें सीधी बात करनी चाहिए, सारे मुसलमान हमको सड़क पे आने चाहिए, जमात इस्लामी को सरकारी के रमान लौटे हैं। आज बीएमपी की बड़ी रैली ढाका में होने वाली है और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब बांग्लादेश लौट चुके हैं। लंदन से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये वही तारिक रहमान है जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन की अगुवाई की थी बांग्लादेश में, ये वही तारिक रहमान है जिनको आतंकवादी गतिविधियों में 10 साल की सजा हुई थी, ये वही तारिक रहमान है खालिदा जिया के बेटे जो कि इस सत्ता पलट के बाद कहते हैं कि अब बंगाल में परिवर्तन की नई लहर हो रही है, बांग्लादेश में नई लहर पैदा हो रही है और आज बीएनपी की बड़ी रैली होने वाली जिसमें शामिल होने के लिए अभी आ रहे हैं। सेना उतार देनी चाहिए, अगर भारत जो है वहां पर दखलंदाजी करे तो भाई छोटे भाई को पड़ोसी देशों में दखलंदाजी करता है, वहां के आंतरिक हालात को लेकर के वहां हिंदुओं पर जो अटैक किया जा रहा है बिना राइडर के, एक सेकेंड, बिना राइडर के, बिना इफ एंड बट के, एक शब्द में कहिए कि हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है सांप्रदायिक हिंसा है, जमाते इस्लामी वहां पर इस्लाम वहां पे फर्ज करने की कोशिश कर रही है, सफाई की, नस्लवादी सफाई की कोशिश कर रही है, एक लाइन में बोलिए इफ एंड बट के बगैर, डिप्लोमेटिक बिल्कुल गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है सिर्फ गलत हो रहा है, दूसरी बात सिर्फ गलत हो रहा है, क्या कहूं, मजम्मत कर रहा हूं कि बिल्कुल गलत हो रहा है जी। अब आप बताइए कि हमारी पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिर देखा राइडर, यही राइडर सर, जवाब साहब यही कवर फायरिंग है, यही कवर फायरिंग है, यही कवर फायरिंग है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारे पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सामने यूके देवराज सर बैठे, यूके देवराज सर है, इसका जवाब देंगे, सही जवाब, एक सेकंड, ये कह रहे पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बता रहे हैं, बताइए, हमारी पॉलिसी ये थी कि चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग दूर दूर रखना था, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ आप देखिए बांग्लादेश भी पहुंच रहा है, उसके बाद श्रीलंका के अंदर हुआ, मुइजू के साथ हुआ, पाकिस्तान तो हमारा था, और अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी कि पाकिस्तान और चीन को दोनों को दूर रखना है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी इस लायक ला के खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के हेड और टेल हो गए। अच्छा ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि विदेश नीति और कूटनीति के, मुझे लगता है किसके बारे में, यूके देवनाथ सर आप बेहतर बताएंगे। अब सवाल देखे सर, विदेश नीति कूटनीति के बहुत डिटेल में जाएंगे ना तो 10 घंटे की चर्चा भी कम हो जाएगी। सीधा सा सवाल, हिंदू वहां पर खतरे में है, कट्टरपंथी सोच हावी है और जो नई सरकार बनने वाली है वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगी, अब आगे करना क्या है?
देखिए मैं बताता हूं कि ऑलरेडी एयरफोर्स को आदेश मिल चुके हैं कि हम हमारे ट्रांसपोर्ट फ्लीट को तैयार रखे हैं, जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश एयरफोर्स की मदद से हम ढाका में अपने एयरफोर्स के जहाज को उतारेंगे और वहां से जो भी हिंदू भाई आना चाहें वो ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचकर इन जहाजों में बैठेंगे। बांग्लादेश सरकार से फाइनल ऑर्डर आने वाला है। दूसरी बात, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को बोला गया है कि अपनी शिप्स को तैयार रखें जैसे ही बांग्लादेश सरकार। कामरान मलिक जी देर से ज्वाइन किए हमें, कामरान मलिक जी समय बहुत कम है आपका 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 एक कमेंट, क्योंकि खबरें यह भी आ रही है कि कई वहां पर हिंदू बांग्लादेशी हिंदू वो बॉर्डर की तरफ रुख करने वाले हैं यहां आने के लिए। कोई भी तशद्दुद चाहे इंडिया में हो चाहे बांग्लादेश में हो वो मजम्मत के लायक है। और मैं ये कहता हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो शायद जो है कहते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद हो रहा है उसका एक रिएक्शन है। समझ में नहीं आ रहा कि सीधी बात क्यों नहीं हो रही है। अरे बांग्लादेश सलमान खुशी वाली लाइन ले रहे हैं, सलमान खुशी वाली लाइन ले रहे हैं। कामरान साहब, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी बात करो। सुनिए बताता हूं आपको, सत्यानाश कर दिया है मुसलमान। ये सब आप एक सेकंड, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, भारत में क्या सबक दिया है, भारत क्या है सुन लीजिए, अरे नहीं नहीं एक सेकंड, सुनिए मेरी बात, भारत ने क्या दिया है दुनिया को। अरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है वो भी फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक है। ये सही है सर, ये सही है सर कि भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है वो भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो है। बांग्लादेश में इसी कट्टरता को मैंने काम कर रहा है। चलिए ठीक है, सर आखिर कमेंट 10 सेकंड आखिरी। हाँ, भारत ने क्या दिया है दुनिया को सब सुन लीजिए, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, है ये देश सुरक्षित गीता के ज्ञान से, ये दिया है भारत ने पूरी दुनिया को। सीनियर